अगर आप अपने फोन से गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट गाइस जो है डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको कंप्लीट जो है प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप जो अपने फोन से कोई भी गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट बहुत ही इजीली जो है डिलीट कर सकते हैं। अगर गाइस आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी लाइक जीमेल, यूट्यूब, सब कुछ गाइस यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और आप जो है उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना ताकि गाइस आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको चले जाना है, आपके फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे गाइस आपको गूगल अकाउंट दिख जाएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे गूगल नाम से आपको जो है एक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा आप सबके फ़ोन में। तो आपको यहाँ पे सिंपली गूगल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आप जो है आपको यहाँ पे गूगल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जीमेल ऐप में चले जाना है और जीमेल ऐप में जाने के बाद में ऊपर के साइड में आपको आपका प्रोफाइल जो है देखने को मिल जाएगा। आपको आपकी प्रोफाइल पे जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको आपके सारे जो गूगल अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी गूगल अकाउंट आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस पे भी जा सकते हैं, नहीं तो गाइस यहाँ पे मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको जो है यहाँ पे अपने अकाउंट को डिलीट करना है। तो सिंपल से गाइस मैं फोन सेटिंग्स में चलूंगा और गूगल वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे गाइस आपको जो है मैनेज योर गूगल अकाउंट देखिए लिखा हुआ है, ऊपर से अपने गूगल अकाउंट को आप स्विच भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको जाना है और सिंपली गाइस आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फो पे जाना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे डेटा एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइस आपको यहाँ पे जो है डेटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। नीचे के साइड में आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे जो है गाइस डिलीट योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली गाइस यहाँ पे डिलीट योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले गाइस यहाँ पे ये आपको बताएगा कि भाई अगर आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपका सारा डेटा वगैरह चला जाएगा जो भी एप्लीकेशंस में होगा। तो सबसे पहले आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना डेटा वगैरह डाउनलोड कर लें ताकि आपका डाटा जो है लॉस ना हो। तो यहाँ पे डाउनलोड योर डाटा पे क्लिक करके आप अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके गूगल अकाउंट पे जो भी डाटा होगा डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आप सारा एक्सेस यहाँ पे खो देंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो प्ले स्टोर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको दोनों ऑप्शन पे नीचे जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद में डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ पे देख सकते हैं योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड। यहाँ पे गाइज आपका गूगल अकाउंट और आपका डाटा जो है डिलीट हो चुका है। अगर आप इसको तुरंत का तुरंत चाहते हैं रिकवर करना तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपके पास में होता है, तब तक आप रिकवर कर सकते हैं। अगर अगेन से आप रिकवर योर अकाउंट पे जाएंगे तो आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे, नहीं तो गाइज यहाँ पे आपका अकाउंट थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पे परमानेंटली जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट रिकवर करने के लिए आपको आपका जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट करना है और अपना वही पासवर्ड आपको डाल देना है अपने गूगल अकाउंट का। उसके बाद में अगेन से आप जो अपने गूगल अकाउंट को जो है रिकवर कर पाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी ऐप होगा आप अगेन से यूज कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन मिल गई हो वो भी बहुत ही इजी स्टेप में, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।